सरकटा भूत के बारे में आपने सुना होगा जो लोगों को परेशान करता है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी टीवी। मैं आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। रात के सभी शोड में हमारे साथ है भारतेंदु शर्मा। भारतेंदु शर्मा के गांव में एक सरकटा भूत था जो लोगों को बहुत परेशान करता था। आइए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। भारतेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टोरी टीवी में। धन्यवाद मुकेश जी। क्या कुछ हुआ था आपके गांव में, क्या है पूरी कहानी, कैसे लोग परेशान हुए थे? ये घटना आज से 12-13 वर्ष पहले की है और रामगढ़ जिला के एक सुदूरवर्ती गांव, जो जंगल या पहाड़ी कह सकते हैं उस क्षेत्र में बसा हुआ गांव का नाम है चटाक। तो उसमें एक 12-13 वर्ष पहले जंगल में कुछ लोग गए और उस जंगल में देखा कि उन्होंने एक लाश देखी और उस लाश की का जो सर था वो धड़ से अलग नहीं था, मतलब कि थोड़ा सा मांस उसमें बचा हुआ था। तो लोगों ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा लाश है। और इस तरह से लोगों को गांव में, आप लोगों को पता ही है कि जब किसी को पता चलता है तो वो पूरे गांव में फैल जाती है। कोई भी घटना इस तरह की होती है। तो मेरे गांव में भी कुछ लोगों ने देखा सर्वप्रथम, लेकिन बाद में पूरे गांव में वो बात फैल गई। तो वो जो सरकटा लाश था वो किसका था, कुछ पता चला क्या थी उसकी? बाद में चूंकि उसका पोस्टमार्टम हुआ पुलिस प्रशासन के द्वारा, तब पता चला कि वो कहीं दूसरे जगह का था और ससुराल था उसका। हम लोग बोलते हैं जंगल के किनारे कोई गांव था, नागपुरी लोग वहाँ बहुतायत बोलते हैं, तो उसी में वो आया हुआ था ससुराल। और पता नहीं कुछ आपसी उन लोगों का कलह हुआ, आपसी झगड़ा हुआ, शायद शराब वगैरह उन्होंने पी थी और उस घटना में लड़ाई हो गया। विवाद जब बढ़ा तो लड़ाई झगड़ा हो गया और लड़ाई यहाँ तक पहुँची कि अंत में मारपीट पे वो लड़ाई बदल गई और उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। और उसे चूंकि सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसे जंगल में फेंक दिया गया उस लाश को, और उसके ऊपर पत्तों या झाड़ियों को से ढक दिया गया लाश को। लेकिन कहा जाता है कि कुछ दिन के बाद वो पत्ते हो सकते हैं कि हवा के कारण या बदबू वगैरह तो हट गए। तो कुछ लोगों ने देखा और बाद में पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया इस घटना के बारे में। फिर पुलिस आई, उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी। तो इत्तफाक देखिए कि मैं उस समय स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और मेरे जितने भी गांव के लोग थे उस लाश को देखने के लिए गए थे और साथ में मैं भी गया था। आपने देखा था वो? मैंने अपनी आंखों से उस लाश को देखा था और अभी भी मैं आपसे जब इस घटना का वर्णन कर रहा हूँ तो वो दृश्य मेरे आंखों के सामने मतलब आ जाता है। नहीं होते कि आधे तरोताजा हो जाने। यानी ये जो बच्चों को जो लोग बोल बोल के डराते हैं कि सरकटा भूत आ जाएगा, भूत ये कहीं ना कहीं आपके गांव से ही संबंधित है मुझे लगता है, प्रचलित होकर बाकी जगहों पे फैली होगी। उस समय एक उपन्यास है सरकटी लाश, गोपाल राम गहमरी जी की है। तो जब मैं इस उपन्यास के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये घटना याद आ गई कि बचपन में मेरे गांव में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी जिसमें एक आदमी का गला रेतकर हत्या कर दी गई। तो आप जब देखे वहां उस लाश को, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ था? तो पुलिस जब ले जा रही थी उस लाश को, तो चूंकि पुलिस की गाड़ी आती है उसको पोस्टमार्टम जो होती है गाड़ी एम्बुलेंस उसको, तो एम्बुलेंस में जब वो लाश को लादा जा रहा था तो मैंने देखा सामने से कि उसका जो गर्दन था वो सिर्फ उसमें कुछ मांस बचे हुए थे, बाकी पूरा गर्दन कटा हुआ था। और जब मैं देखा था तो हम सब बच्चे आपस में मित्र मंडली में चर्चा करते थे तो हम लोग सिहर उठते थे उस घटना को याद करके। और चूंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं गाँव में कि डराते हैं कि मेरे सपने में वो लाश आया या भूत आया, सरकटा भूत आया, तो उस कारण हम लोग भी डरते थे। और जब अपने घर में जिक्र करते थे अपनी माँ से, अपने पिता से, तो मेरी माँ या मेरे पिताजी कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो वहम है तो डरने की बात नहीं है। और वो हौसला अफजाई करते थे जैसे हर माता पिता अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। उसके बाद इस घटना के कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति हैं मेरे गाँव में जो
शादी विवाह में या फिर किसी के घर में मैयत होती है, मर जाते हैं, तो वहां पर जो ढोल बजाया जाता है, चाहे वो खुशी के शादी के खुशी के मौके पे बजाई जाती है या मातम मौत के मौके पे, तो दोनों ही मौके पे वो जो है एक व्यक्ति है मेरे गांव के, वो बजाते थे, ढोल बजाते हैं। और एक दिन की बात है कि वो जंगल गए हुए थे, और जंगल में जब गए तो गांव की तरफ ऐसा बोला जाता है कि भूत ने उनको डरा दिया, अपने वश में कर लिया। अब जब ये गांव आए तो आने के बाद ये गाना गाते हुए गांव में प्रवेश किए, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति तो कभी गाना गाता ही नहीं, हाँ ढोल बजा लेता था अलग बात है, लेकिन उसमें उसके आवाज में, उसके कंठ में वो स्वर नहीं थी कि वो गायन कर सके, लेकिन जब वो गाने लगा तो लोगों को लगा ये तो गजल गा रहा है, ये कव्वाली गा रहा है। एक गाना मुझे याद है, मैं जब सभी बच्चे उसे देखने के लिए गए थे तो मैं भी गया था, तो उसमें वो गा रहे थे कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, इस तरह के कुछ गाने गा रहे थे। तो लोगों ने कहा, बड़े बुजुर्गों ने, क्योंकि मैं उस समय तो छोटा था, कहने लगे कि जो इसको डराया है जिस भूत ने, वो भूत कहीं ना कहीं गाता होगा और अच्छा गायक होगा, क्योंकि गजल और कव्वाली हर कोई आदमी नहीं, बस की बात नहीं है कि अच्छे से गा सकता है, बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता है, लेकिन अच्छे स्वर तरीके से गाना एक अलग बात है। और वो शायद भूत जो जिसकी लाश मिली थी और जिसको पुलिस प्रशासन ले गई थी उस लाश को, वो कहीं ना कहीं गायक रहा होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई मेरे गांव के लोगों द्वारा। और 3-4 दिन वो भूत उसकी, मतलब वो आदमी उस भूत के साये में रहा, और बहुत तरह के प्रयास किए गए कि उसकी जो भूत डराया है, उस भूत जो उसको वश में कर लिया है, भूत का रूह जो उसमें बस गया है, उस रूह को हटाया जाए ताकि फिर से वो सामान्य जीवन जी सके, क्योंकि उसके दो तीन बच्चे थे छोटे छोटे जो उसी पर आश्रित थे, वो मतलब वही उसी का जीविकोपार्जन के द्वारा वो जिंदा रहते थे। तो लोगों को लगने लगा कि जल्द से जल्द इसको क्या, इसकी जो भूत को वश में कर लिया है, इसको हटाया जाए। वो और कुछ हरकत करता था कि सिर्फ गाता ही नहीं था? हाँ, और एक चीज है कि अगर कोई गले में किसी भगवान की तस्वीर वो देख लेता था तो चिल्लाने लगता था कि इस व्यक्ति को हटाओ। यानी कि भगवान के तस्वीर को देखकर कहा जाता है कि हम लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जी जब नाम सुनावे। तो कहीं ना कहीं ये पंक्ति उस समय चरितार्थ हुई कि जब किसी के गले में भगवान श्री राम की प्रतिमा या हनुमान जी की मूर्ति देखकर वो बोलता मतलब था, भगवान का कोई भी लॉकेट, हाँ कोई भी लॉकेट देखकर उसको डर हो जाता था और वो चिल्लाने लगता था, आंख बंद कर लेता था और बोलता था इसे हटाओ यहाँ से, ठीक है। फिर जब उसको हटा दिया जाता था तब वो अपनी आंखें खोलता था। तो ये सब चीजों का मैं साक्षी रहा हूँ और मैंने अपनी आंखों से इन घटनाक्रम को देखा है और महसूस किया है। और उसके बाद फिर एक तांत्रिक को बुलाया जाता है और वो तांत्रिक उसकी कान में कुछ तेल वगैरह डालता है, मुझे नहीं पता वो क्या चीज था, लेकिन तेल बोलते हैं गाँव में कि तेल था, वो तेल डालकर फिर झाड़ फूंक करता है, कोई मंत्रोच्चारण करता है, मंत्र का पाठ करता है, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है, वो व्यक्ति जिस पे भूत का साया पड़ा है वो व्यक्ति बहुत चिल्लाने लगता है, जोर से चिल्लाने लगता है और हम लोग सब डर जाते हैं। और चिल्लाते हुए फिर वो दौड़ता है और दौड़ते हुए पीछे वो आगे आगे दौड़ रहा है और पीछे पीछे गाँव के लोग दौड़ रहे, और मैं भी दौड़ रहा था क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। और काफी दूर निकलने के बाद पता चला कि एक जगह पे जाके कम से कम मेरे गांव से वो 4 या 5 किलोमीटर का क्षेत्र होगा, वहां तक वो दौड़ते हुए गया और हम लोग भी गए, और वो जाके मुंह के बल गिरा, और जब गिरा उसके बाद फिर मेरे गांव वाले, उसके परिवार के लोग भी साथ में दौड़ रहे थे, वो लोग गए उसे उठाए वहां से, तो फिर वो सामान्य हो गया। तो मैंने पूछा, उस समय जिज्ञासु प्रवृत्ति का था मैं छोटा से ही, तो पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि ये यहीं गिरा और यहाँ जब गिरा तो फिर वो सामान्य कैसे हो गया? तो उन लोगों ने कहा कि यहीं पर वो डर गया था, मतलब भूत का साया जो था इसी जगह पर उसको पकड़ा था।
इसीलिए वो यही जगह पे आया, इसी जगह पे आया और इसी के कारण उसकी जो रूह थी वो छोड़ के चली गई इसके शरीर को और ये फिर से सामान्य हो गया। अब अभी वो ठीक है? अब वो हाँ अभी ठीक है। और आते हुए वो चूंकि 2-3 दिन से वो अच्छे से खाना पीना नहीं खा पाए थे और सो नहीं पाए थे जिसके कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, तो गांव के लोग क्या किए उनको लाद कर लेते आए। और जब आए उसके बाद हम लोग रोज देखने के लिए जाते थे कि अब वो कैसा, उसी तरह की हरकत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सामान्य हो गए और कुछ दिन के बाद फिर से वो सामान्य जीवन जीने लगे जैसा वो जीते थे। और ये घटना वो मुझे बहुत रोमांचित करती है और मैं अपने किसी भी व्यक्ति को इस घटना के बारे में बताता हूँ तो वो भी कहता है कि वो भी रोमांचित हो जाता है मेरे साथ और कहता है कि गांव में इस तरह की घटनाएं होती हैं। और आप तो साक्षी रहे हैं आप? हाँ, मैं साक्षी रहा हूँ इस घटना का और अभी जब मैं आपके साथ इस घटना का को शेयर कर रहा हूँ तो फिर से वो यादें ताजा हो गई बचपन की वो यादें। अभी आप सुन रहे थे भारतेंदु जी की कहानी, ये घटना इनके गांव में घटी थी। अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो आपके साथ या आपके गांव में या आपके मित्र के साथ कहीं घटी हो तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर जाएं, वहां कमेंट करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और हाँ, हमारे यूट्यूब के सुपर थैंक्स पर जाके क्लिक करें और हमें डोनेट करें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। धन्यवाद। Thank you.